उधर भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक और भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। वी सतीश, चंद्रशेखर, गुलाबचंद कटारिया, प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा मौजूद हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का होगा वर्चुअल संबोधन। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी वर्चुअल जुड़ेंगी कार्यक्रम से और नए पदाधिकारियों को दिया जा रहा है संगठनात्मक टास्क। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, कितना इंपॉर्टेंट आज इन सभी का एक साथ जुड़ना? देखिए, प्रदेश पदाधिकारियों की जो बैठक है ये पहली बैठक है और जो नई टीम बनी है डॉक्टर सतीश पूनिया की, उस टीम की पहली बैठक है, तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन। उनका संबोधन जो है उसका समय मुकर्रर किया गया है 12:45, यानी कि 12:45 बजे वो संबोधित करेंगे, वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे इन तमाम पदाधिकारियों को। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी वर्चुअल इसमें मौजूद रहेंगी। अभी प्रदेश कार्यालय में जो मौजूद हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौर, चंद्रशेखर और खुद वी सतीश आए हुए हैं। वी सतीश के संबोधन के साथ शुरुआत है। स्वागत संबोधन जो है वो डॉक्टर सतीश पूनिया ने ही किया था। तमाम लोग मौजूद हैं, चाहे अजय पाल सिंह हो, दिया कुमारी हो, रामलाल शर्मा हो, मुकेश दादीच हो, तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी है। तो इस बैठक में थोड़ी देर बाद जब संबोधन होगा जेपी नड्डा का, तब बेहतर तरीके से पता चल पाएगा कि इन्हें क्या टास्क दिया जाता है। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि इन्हें टास्क मिलेगा कि राजस्थान के तमाम बूथों पर, 10,000 बूथ अभी कमजोर है, 52,000 बूथों में से, तो उन कमजोर बूथों को स्ट्रांग कैसे बनाया जाए, वहां पर पार्टी की सक्रियता कैसे बढ़ाई जाए, इसको लेकर कोरोना काल में जो सेवा कार्य हुए हैं उनको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, और केंद्र की जो प्रमुख योजनाएं हैं उन योजनाओं की वस्तु स्थिति से अवगत कराने के साथ केंद्र ने जो राज्य के लिए बहुत कुछ दिया है उन तमाम चीजों को आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए, ये तमाम प्रमुख मुद्दे होंगे। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्य प्रधान हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।